2016 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बरेली में रबड़ फैक्ट्री के ग्राउंड में आए थे। वहां पे आकर उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। दोगुना करना तो दूर, उन्होंने किसानों पे काले कानून थोप दिए और किसान उससे विचलित होकर आंदोलन करने लगे। जब किसान अब आंदोलित हैं तो प्रधानमंत्री जी को देश के किसान की कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है अपने सबसे बड़े स्पॉन्सर मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी जी के यहाँ जब उनका पोता होता है, उनका पोता होता है तो वो उसको देखने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों की एक बात भी पूछने वो नहीं पहुंचे कि लाओ तुम्हारी समस्या क्या है, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करें। आज इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग धरना दे रहे हैं। आज हम लोग हल लेकर किसानों का प्रतीक लेकर यहाँ पर धरने में शामिल होने आए हैं। अध्यक्ष जी, आज आप समाजवादी सारे कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जैसा कि पूरा देश जानता है, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही किसानों के सम्मान में सारे समाजवादी पार्टी के नेता मैदान में हैं। आज हमारे देश का अन्नदाता किसान जो कि सड़कों पर उतर आया है, उनके समर्थन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है, निर्देशित किया है। उसी संबंध में आज लोग हम किसानों के समर्थन में उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं और एक घंटे का हमने आज यहां पर मौन रखकर अपना मौन प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क का संविधान ने मुल्क के हमारे संविधान में ये प्रावधान है, आर्टिकल 19 आप पढ़ लें, उसमें किसी भी निर्वाचित सरकार के विरुद्ध हमें धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है, लोगों के हक और इंसाफ का गला घोट रही है। जब जब हमारे देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर आया है और उस सरकार के पतन का कारण बना है। हमारे देश का किसान हमारे देश का अन्नदाता है। आज भी 80% जनता गांवों में निवास करती है। हमारे देश का विकास, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, सारी चीज़ें किसानों के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन आज हमारे देश का किसान परेशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये किसान विरोधी बिल जो है इसको वापस लिया जाए। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम सरकार की चूल से चूल बजा देंगे और किसानों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर अपने दिन का चैन और रात की नींद छोड़कर उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। और हम लोग जब तक बिल वापस नहीं होगा, किसान विरोधी बिल वापस नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार का तो ये कहना है कि ये बिल किसानों के हित में और किसानों को फायदा देने वाला है। अगर किसानों के हित में होता तो आज किसान सड़कों पर नहीं होता। आज पिछले 18 दिनों से हमारे देश का किसान सड़कों पर इस ठिठुरती हुई ठंड पर बैठे हैं और लगभग वहां 10 से 15 किसान हमारे मर गए हैं। अगर किसानों के हक में होता तो वो सड़कों पर नहीं होते, हमारे देश की राजधानी दिल्ली को चारों ओर से नहीं घेरते।